हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.3 का। पर बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिएगा। पर बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 का, जीरो से लेकर अंत तक पूरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और एकदम आसान भाषा में। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। पर बच्चों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस प्रश्नावली 8.3 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला सवाल, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, चार सवाल करके दिए हैं, सबके मान ज्ञात करने। पर बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के लिए कुछ विशेष करके फार्मूला है। यदि आप वो फार्मूले को याद कर लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि वो आज का जो फार्मूला है, वो आज का फार्मूला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब साइन में, साइन 90 में से कुछ घटाते हैं, अर्थात ये वाले फार्मूले पर, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए होता है। फिर टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉट ए। और उसके बाद एक और बचता है sec 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? cosec ए। अगर हम इनके उल्टा की बात करें, अर्थात cos 90 माइनस ए लिखना चाहे तो क्या होगा? तो cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin ए हो जाएगा। तो cot 90 माइनस ए कर दें तो क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? tan ए। फिर उसके बाद कॉसिक 90 माइनस ए, तो कॉसिक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? सिक ए। क्या हो जाएगा? पहले बच्चों सिक ए। इन्हीं सभी फार्मूलों के आधार पे आज आप प्रश्नावली 8.3 को बिल्कुल मक्खन के भाषा में, एकदम सरल आसान भाषा में सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, ध्यान देना है कि आपको दिए गए अनुपातों में से किसी एक अनुपात को बदलना पड़ेगा, चाहे साइन को बदलिए चाहे कास को, दोनों को नहीं बदलेंगे। प्यारे बच्चों किसका? मैंने कहा कि दिए गए अनुपातों में, जैसे साइन कॉस, टेन कॉट, फिर कॉस साइन, कॉस सिक, तो दोनों में से किसी न किसी एक को हम बदलेंगे बस, और बाकी और किसी को नहीं बदलेंगे। तब जैसे देखिए, अगर मुझे साइन साइन को बदलना है तो क्या हम लिख सकते हैं? प्यारे बच्चों ये सोचिए जरा सर, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अब देखो, 90 में से 72 घटाओगे 18 आएगा, तो साइन 18 आ जाएगा। साइन 18 को ही साइन 90 माइनस 72 लिख रहे हैं। फिर हमने बताया कि नीचे वाला कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिर दोबारा कॉस 72 है ही है। अब बताओ, देखो सूत्र मिलाओ, साइन 90 माइनस ए, ये ए मान लो एक देर, तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो कॉस ए, ए के स्थान पे क्या है? 72। तो कॉस 72 अंश पूरे के बटी कितना है प्यारे बच्चों? कॉस 72। अब आप देखिए, ये दोनों कट जाएंगे तो इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा इसका? एक आ जाएगा। बात आप समझे? आइए अब हम इनको देखते हैं। टेन 26, तो टेन को बदला जाए, एक बार ऊपर वाले को बदले हैं, अब इस बार हर को बदलते हैं। टेन 26 वैसे ही लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट को क्या लिखा जा सकता है? कॉट को हम लिख सकते हैं 90 में, और 90 माइनस क्या होगा? 26। 90 माइनस 26, आपको पूछ भटकना नहीं होगा कि कहां से हेरे कि ये 90 में 26 घटाएं, क्या घटाएं। देखो, जो ऊपर चीज दिया है उसी को आप 90 में से घटा दो। जैसे यहां देखिए, 90 में से क्या घटाना था? 72 घटाना था, तभी तो 18 आएगा प्यारे बच्चों। तो जो नीचे दिया वही चीज आप घटा रहे हैं, केवल 90 में से घटाना है। अब बताओ, अब ऊपर तो आपको ही रहेगा टेन 26 ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए, और ए के स्थान पे कितना है? 26। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब अरे, कॉस 48 और साइन 42 में, तो चेक करते हैं कॉस 48 साइन, इन इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, चाहे जिसको कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, अगर हम cos 38 को लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं,
माइनस, साइन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा साइन। अब 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से आप 48 घटा दोगे तो 42 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस 48। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कॉस यहाँ 48 है, ठीक कोई बात नहीं। अब साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, तो कॉस ए के स्थान पे क्या प्यारे बच्चों 48, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या आंसर आ जाएगा 0। ठीक, अब उस इसी के जैसा ये है, अभी कौशिक क्या है 31, कौशिक 31 आंसर, ठीक माइनस सेक 59, तो सेक लिखे रहते हैं। अब यहां लगाएंगे 90 माइनस 31, अब 90 में से 31 घटाओगे तो 59 आएगा। अब आ जाइए कौशिक 31 आप लिखे रहिए, कौशिक 31 अंश, ठीक माइनस सेक 90 में से 31 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो सेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए बराबर कौशिक ए, तो कौशिक 31 अंश, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस दूसरा प्रश्न आपका क्या कर रहा है, दर्शाइए कि टेन 48, टेन 23 और टेन 42 और टेन 67 का जो मल्टीप्लाई है वो 1 के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो पक्ष आपके राइट हैंड की तरफ है वो राइट हैंड साइड होता है, और जो आपका पक्ष लेफ्ट हैंड की तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आर एच एस ला देते हैं, तो लिखते हैं एल एच एस, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए टेन 48, अब आप देखिए कि आप उनको अलग अलग करेंगे प्यारे बच्चों, जिनको जोड़ने पे आपको टेन 90 मिल जाए, जैसे टेन 48 में अगर हम 42 जोड़ देते हैं तो टेन 90 हो जाएगा। तो हम इनको एक तरफ लिख लेते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद टेन 30 और मल्टीप्लाई टेन 67। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में से एक को बदल दो, इन दोनों में से एक को आप बदल दीजिए बस। अब देखिए टेन अगर बदलना चाहते हैं तो टेन 48 है, तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, इंटू क्या है टेन 42 पहले से है आपका, फिर इंटू टेन 23 को बदलना चाहो तो बदल दो, टेन 90 माइनस क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक, और इंटू क्या है टेन 67 पहले से है। अब आप देखिए अब फार्मूले पे चलिए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, देखिए हमें तो कॉट ए, अब ए के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों 42 है, तो कॉट क्या हो जाएगा 42 अंश हो जाएगा ना, इंटू कितना है टेन 42 हो जाएगा, इंटू टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है तो कॉट 67 अंश हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा टेन 67। अब एक हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का फार्मूला जानते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, जैसे टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए और कॉट ए का उल्टा होता है फिर बच्चों टेन ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हम कॉट को इस वाले रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो कॉट ए को लिख देंगे 1/10 42 इंटू पहले से टेन 42 है, इंटू कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/10 67 इंटू क्या हो जाएगा टेन 67। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो टोटली वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 के बराबर आ जाएगा, और 1 आपका क्या कह रहा था लाने के लिए, तो अतः लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूव दैट, ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इस प्रकार लगाना रहता है पहले। अब आइए हमको इसमें एल एच एस को सॉल्व करके 0 लाना है, तो एल एच एस लिखते हैं। ठीक, अब यहां क्या है कॉस 38 है इंटू क्या है कॉस 52 है, माइनस क्या है साइन 38 साइन 52, ठीक लिख दिए, एक बार आपने पक्ष लिख लिया।
अब इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दो, इन दोनों में से एक कन्वर्ट कर दीजिए, आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए कॉस 38 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कॉस 38 है। अब कॉस को लिखेंगे तो कॉस को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 38। अब 90 में से 38 घटाओगे प्यारे बच्चों तो 52 ही आएगा, माइनस साइन 38 लिखे रहिए, अगले चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटा दो 52 आ जाएंगे, ठीक। अब कॉस 38 आपका है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पढ़ा कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, फॉर्मूले देखिए तो साइन ए के स्थान पे कौन है 38 है, माइनस साइन 38 आपका ऐसे ही नोट कर लेंगे, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, तो ए के स्थान पे कौन है प्यारे बच्चों 38, ठीक। अब हम जैसे ये फार्मूला जानते हैं वैसे साइन और कॉस का भी होना चाहिए, तो साइन और कॉस का क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए, ठीक। ये तो उस इस रूप में हम तोड़ सकते हैं, तो कॉस को लिखा जा सकता है 1 बटे साइन 38 × साइन 38 पहले से ऊपर है, माइनस साइन 38 को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस 38 × यहां हो जाएगा कॉस 38, ये कट जाएगा, एक में से एक घटा देंगे क्या आ जाएगा 0, देख सकते हैं प्यारे बच्चे 0 आपका है। तो LHS और RHS आपके इक्वल हो गए, अर्थात आपके सवाल क्या है सत्य है। तो दूसरे का ये पहला नंबर और ये सेकंड नंबर, ये कंप्लीट होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो गाइज आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या कर रहा, 10 2a = cot a − 18, तो जहां 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण कहने का मतलब है 90 अंश से कम है प्यार बच्चों, a का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से जो सवाले हैं वो आपके एग्जाम में बराबर करके ये सब सवाले पूछे जाते हैं, तो ये एकदम बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है, एकदम सरल सवाल है। अब आप देखो टेन 2a को इस वाले फार्मूले में लिख दो, बस tan 90 − 2a हो जाएगा, या तो हम क्या लिखें, देखिए tan इसको क्या लिखा जा सकता है, बस केवल आप इसे ध्यान दीजिए, बस क्या हम tan 2a को cot 90 − 2a नहीं लिख सकते, बोले क्योंकि cot 90 − a बराबर tan a, और a के स्थान पे 2a है तो tan 2a आ जाएगा, तो tan 2a को हम लोगों ने इस वाले फॉर्म में लिख दिया, बाकी उसको नहीं बदलना है, cot a माइनस 18 हो जाएगा, तो cot से cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 − 2a बराबर a माइनस 18। अब a इधर आ जाए तो −2a, जब प्लस a बराबर इधर आएगा तो −a होगा, उधर −18 है, प्लस 90 बराबर उधर जाएगा तो −90 होगा, ठीक। अब 2a और a जुड़ के कितना हो जाएगा −3a हो जाएगा, और 90 और 18 जोड़ के कितने हो जाएंगे फिर बच्चों 108, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आप भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, यही चीज बोल रहा था। अब बोला था ना जहां 2a न्यून कोण, तो a के स्थान में जब 36 रखोगे तो 36 × 72, 90 से कम आया ना, तो मैंने बोला ना भाई 2a न्यून कोण है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। इस प्रकार आप तीसरा सवाल हल करोगे। अब हम बात करते हैं चौथी की, दिया क्या है, दिया यह है सिद्ध ये करना, बहुत सरल सवाल है। देखिए तो पहले हम क्या लिखते हैं, दिया यही है ना, तो टेन ए बराबर क्या है कॉट बी। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी भी एक को चेंज कीजिए, तो क्या हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं जैसा यहां पर बदले थे, कॉट 90 − a, कॉट 90 − a बराबर टेन ए होता है, बराबर क्या आ गया कॉट बी, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 90 − a बराबर बी। अब ये माइनस ए उधर जाएगा प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस ए, तो 90 − a बराबर उधर गया तो प्लस ए हो गया, हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 अंश।
ये रहा आपका जो सिद्ध करना था, ठीक, ए प्लस बी बराबर 90। तो चौथा भी कंप्लीट हुआ, तीसरा भी कंप्लीट हुआ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। तो गाइज आपका जो पांचवा प्रश्न है वो ये क्या कह रहा है कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस बी, तो जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम तीसरे नंबर के जैसा है उसी जैसा हम लोग इसको लगाएंगे भी। क्या दिया, सबसे पहले लिखेंगे sec 4a बराबर क्या है, cosec a माइनस कितना है 20। ठीक, अब sec को हम क्या कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, sec 4a को हम cosec के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, इक्वल टू उधर क्या लिखा है cosec a माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। cosec से cosec क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 4a और उधर आ जाएगा a माइनस 20। ठीक, अब a वाला एक तरफ और बाकी वाले एक तरफ, तो ये माइनस 4a आ गया, ये प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस 20 है, प्लस 90 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ठीक, 4a और 1a जुड़ के कितने हो गए -5a, 90 और 20 जुड़ के कितने हो गए -110, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 1 5 22, 5 110 कितने आ जाएंगे फिर बच्चों 22। तो a की जो वैल्यू आई वो कितना है 22 है, कितना है 22 डिग्री, ये आ गए। ठीक, यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री आ गई। अब छठवां जो सवाल है प्यारे बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला ये प्रश्न है और बहुत ही सरल है। यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, मतलब कोई त्रिभुज एबीसी है और उनके ये तीन अंतःकोण है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो जो चीज दिया ये वाला पक्ष दिया ना, इसी को हल करके हम लोग ये लाएंगे, आराम से लाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के जब ये तीन कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इस बात को आप मानिए, तो यही चीज लिखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण हम जानते हैं, ठीक, 180 अंश होता है। तब त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक, क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमको इधर साइन लाना है, इधर क्या लाना है साइन, तो साइन लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर केवल बी और सी बचा, ए को उधर करना है, तो आप ए को उधर कर दीजिए, तो प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप जरा सा ध्यान देखिए, अब क्या करना है कि दोनों तरफ आप देखिए, जरा सा यहां पर देख लीजिए कि बटे दो है, क्या है बटे दो, तो दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर, दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर, क्योंकि दो लाना है, तो क्या करेंगे जब यहां दो से भाग देंगे तो बी प्लस सी बटे दो आ जाएगा, और इधर 180 माइनस ए बटे दो, सबके बटे दो कर दीजिए। ठीक, अब यहां अलग 180 बटे दो करेंगे तो 90 माइनस ए बटे दो आ जाएगा, और इधर बी प्लस सी बटे क्या आ जाएगा दो। अब कुछ नहीं, देखिए इधर साइन है ना, तो साइन ले लीजिए, बस सवाल खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ साइन लेने, जैसा सवाल में प्रूफ करने के लिए कह रहा आप वही कीजिए, दोनों तरफ साइन लेने पे ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तब देखिए यहां आ जाएगा तब साइन बी प्लस सी बटे कितना है दो बराबर, यहां 90 माइनस ए है तो यहां साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटे दो। अब देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस, कॉस ए के स्थान पे यहाँ ए बटे दो है तो कॉस ए बटे दो हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा दो। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 7 6 जो था कंप्लीट हुआ, देखिए कितना सरल सवाल था प्रूव करना था। ठीक, अब सातवां क्या करा कि साइन 67 अंश और कॉस 75 अंश को आप 0 और 45 के कोणों के अनुपात में लिख दीजिए।
मतलब जहां 67 है उसी को 0 और 45 के बीच में आ जाए और cos 75 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है प्यार बच्चों, देखिए 67 में क्या जोड़ा जाए कि 90 आ जाए। तो ये ध्यान दीजिए, 67 3 70 20 90, यानी यहाँ 23 है, यहाँ 23 जोड़ने 90 आएगा, यहाँ 15 जोड़ने पाएगा। तो जो चीज आप जोड़ रहे हो वही चीज घटा दीजिए। तो साइन 67 है, ध्यान से देखिएगा, साइन 67 प्लस क्या है कॉस 75। अब आप इनमें 90 में 15 कम है और इनमें 90 में 23 कम है, तो 90 में 23 कम है तो लिख दें साइन 90 माइनस 23, 90 में 23 घटाए 67 प्लस कॉस 75, तो यहां 90 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 90 में 15 घटाएं 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस ए बराबर होता कॉस ए, तो ए के स्थान पे कौन है 23, तो कॉस 23 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो ए के स्थान पे कौन हो जाएगा 15। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो सवाल है वो पूर्ण रूप से क्या होता है कंप्लीट होता है, और इसी सवाल के साथ ये पूरा अध्याय भी समाप्त होता है, प्रश्नावली 8.3 पूर्ण रूप से क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो गाइज एक बात और आप लोगों से ये करनी है कि प्रश्नावली 8.3 तक ही आपके इस बार सिलेबस में एग्जाम देना है, मतलब जो आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वहां तक प्रश्नावली 8.3 तक ही इस बार आपके सिलेबस में है। परंतु हम लोग कल की क्लास में प्रश्नावली 8.4 का चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो जितने सवाल हैं प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आने वाला, कोई बात नहीं एक बार उसे जरूर पढ़ेंगे गाइज, क्योंकि आगे की सोचिए आप जब कक्षा 11 में पहुंचेंगे तो ऐसा सवाल जब वहां से मिलने लगेंगे तो आप क्या करेंगे गाइज। इसलिए आपका जो आज का जो चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।